आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हुए सलाखों के पीछे 38 दिन पहले हुए मनुनिया महादेव मंदिर में चोरी का पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में खुलासा किया। पकड़े गए शातिर चोर गिरोह के सदस्य हैं। बदमाशों से और भी कई खुलासे होना बाकी। इनके पकड़े जाने से कई चोरियों के खुलासे हो गए। चोरों से पुलिस ने 7 किलो 600 ग्राम चांदी बरामद की है। वहीं चोरी के उपयोग में लाए जाने वाले औजार भी जब्त किए गए हैं। चोरों से आगे की पूछताछ जारी है। आलोच से जीतू वरोला की रिपोर्ट। इस बार भी इनके द्वारा जो बहुत ही माइन्यूट सबूत छोड़े गए या जिससे भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिला उसको जोड़ते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। सर आगे पूरी प्रक्रिया में पुलिस के द्वारा लगभग 2000 लोगों को 2000 संदिग्धों को चिन्हित किया गया, जिनमें एक एक करके हम लोगों ने उनको वेरीफाई किया कहाँ उनकी लोकेशन है, क्या है, किस समय हम क्या कर रहे थे और उसके बाद हम इन तक पिन पॉइंट पर पहुँच सके। जैसा आपने बताया कि कुछ सुराग जो हमें मिले थे उससे भी हमें सहयोग मिला, लेकिन जो बेसिक पुलिसिंग का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया था ये शुरुआत में इनकी पहचान तत्कालिक रूप से नहीं हो पा रही थी। इस कारण से बेसिक पुलिसिंग के जो हमारे मुखबिर तंत्र हैं, जो हमारे एक एक करके जेल गए हैं, जेल में ऐसे आते अपराधी जो मोडस हो गए, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग किया और इसलिए मैं थाने की टीम को, थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को और थाने में जो स्टाफ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। पुलिस की तरफ से भी इनके लिए घोषित किया गया था, मंदिर समिति की तरफ से भी किया गया था। कुल मिला के कितना इनाम मिलता था? इस वर्तमान घटना में 10,000 का इनाम मैंने अपने जिला स्तर से घोषित किया हुआ था और जो अन्य घटनाओं का भी इसमें खुलासा हुआ है उसमें भी अलग अलग तरीके से 30,000 रुपये का इनाम उसमें घोषित है। इस तरह से जिला स्तर से ये इनाम पहले से घोषित मंदिर समिति के द्वारा भी बताया गया है कि उनके द्वारा 51,000 रुपये का इनाम इसमें पुलिस टीम को दिया गया जो कि इसमें मेरा एक हमारी तरफ से प्रतिवेदन भी जाएगा, हमारी साहब के हिसाब से रिक्वेस्ट करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी अच्छी कार्रवाई होगी।